अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। अगर कभी दोनों कबीलों के दरमियान इख्तलाफात हो जाएं, तो ये याद रखें कि इस सूरत हाल में जिसके पास जंगजू होते हैं वही ताकतवर तसव्वुर किया जाता है। अब मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर, उनके जाने के बाद इस दुनिया में हर एक सांस मुझ पर बोझ बन गई। दोनों कबीलों को जम होना चाहिए, वरना दुश्मन के लिए हम दोनों ही तरने वाला साबित हो सकते हैं। और जालिम मंगोलों से हर हाल में हमें अपना इंतकाम लेना चाहिए, वरना ये लोग अपना गम कभी नहीं भुला पाएंगे। अल्लाह इत्तेहाद मुबारक करे, आमीन। खात्मा हो बुराइयों का, आमीन। या अल्लाह हक को गालिब कर, आमीन। अब वक्त है अपने प्यारों का इंतकाम लिया जाए। तू तकिन, अब ये तुम्हारा फर्ज है। तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा भाई सुंगर तकिन भी तुम्हारी तरह जिद्दी था, मगर आखिरकार उसको अकल आ ही गई और आज वो ओएदे का सबसे करीबी आदमी है और उसके साथ रहता है। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगा, फिर तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। मैं किसी का पालतू नहीं बन सकता नोया। अफसोस, तुम्हारे जैसा बहादुर जंगजू कुर्बान करते हुए मुझे बहुत दुख होगा। मेरे जंगजू तुम्हें जिंदा रखने पर मुझसे बहुत नाराज हैं। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुर्कों का मजीद खून नहीं बहेगा और ये मेरा तुमसे वादा है। नोयान, तुर्क हमेशा शहादत के जज्बे के साथ जीते हैं, खून से नहीं डरते। सब्र का इम्तिहान मत लो मेरे,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक और सुंगुर तक इन ढूंढ सकता हूं। फैसला तुम्हारा है। मुझे अभी बहुत काम करने हैं। इसको चौबाश का तो मुंह तोड़ने का दिल चाहता है मेरा, लेकिन बस तुरगुत भाई, सुना है आपने जिरगे में शिरकत की थी, दुरुस्त है ये? गया था, अर्तुरुल भाई की जगह लेकर गई थी मुझे हायमखानम। वहां क्या हुआ भाई, क्या बात हुई, हमें यहां क्यों बुलाया गया है? अभी पता चल जाएगा। जिरगे ने यह फैसला किया है कि मेरे भाई अर्तुरुल की शहादत का इंतकाम मिलकर लेंगे हम। जो इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं वो एक कदम आगे आ जाए। बहुत शुक्रिया। जिसके लिए पहले मंगोलों का सुराग लगाना जरूरी है। इब्तदाई तौर पर हमारे सुराग रसा हर तरफ जाएंगे। यहां से अब्दुल रहमान और हमजा जाएंगे। यहां से वाच और शमसा। इस काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तुम लोग सुराग लगाकर वापस आओगे और यहां हमारे जंगजू हमले के लिए तैयार रहेंगे। चलो अब तैयारी करो। अर्तुरुल का इंतकाम लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। मुझे लगता है अर्तुरुल जिंदा है वालिदा। ऐसा लगता है वो यहां जल्द वापस आ जाएंगे। वो अपनी औलाद को यतीम और लावारिस नहीं छोड़ सकते। जासूस भेजे जा रहे हैं क्योंकि जिरगे में इंतकाम का फैसला लिया गया है। वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। मोहतात रहना, तुम कहीं पकड़े ना जाओ। फिक्र मत करो।
कोई परेशानी है तुम्हें? तुम्हारी बहादुरी और शुजात की तारीफें कर रहे हैं सब लोग, और तुम होके यहाँ मुंह लटकाए बंद हुए बैठे हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? कुछ नहीं है। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ मुझे। तुम्हारे जैसे जवान को वैसे दो ही बातें परेशान कर सकती हैं, या किसी नाकाबिले शिकस्त दुश्मन का टकराना, या फिर किसी खूबसूरत लड़की का ख्यालों में आ जाना। आपको कैसे मालूम? गुगचे है ना वो लड़की। आप कैसे जानती हैं? तुम उसे कैसे देख रहे थे? मैंने देखा था तुम्हें आइकिस के जनाजे पे और अर्तुरुल की ताजियत के वक्त। मेरे अंदर एक आग मुसलसल चल रही है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ ना काम आशिक। क्या? पता करती हूँ कि कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करती। बात बताओ, गोकचे कबीले में किसी को पसंद करती है क्या? बताओ मुझे एकिस, तुम्हारी माँ ने जिंदगी दी थी मुझे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। अगर कुछ भी जानती हो तो बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है आयतुलन खातून, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? ना उनका रिश्ता तय हुआ है और ना वो किसी को पसंद करती हैं। हैरत की बात है कि आज तक उसे किसी मर्द ने पसंद नहीं किया। बात यह है, सुलेमान शाह की बेटी है वो, कौन हिम्मत करेगा जब एक लड़की के दो जंगजू भाई भी हों। और वैसे भी वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, उनकी आदत ही ऐसी है, लेकिन बहुत नरम दिल की है। काई कबीले को गले लगा लिया हमने। हमने वही किया हमारे लिए जो बेहतर हो सकता था।
और मुझे उम्मीद है कि वो खिलाने वाले हाथों को कभी नहीं काटेंगे। बिल्कुल, गाय अपना तो नुकसान कर लेंगे लेकिन अपने मोहसिन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कभी। खानम, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। दिली दमीर, आपकी बात सच निकले। आपने मुझे बुलाया था अर्तुक भाई? कैसी बात कर रहे हैं दमीर भाई, मेरे साथ आइए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। क्या हुआ? पता चला है कि नखरीली है वो, और लड़के उसके नजदीक आते हुए डरते हैं बहुत, और ये कि किसी को पसंद ही नहीं करती वो। अभी बहुत दुख से गुजर रही है, जरा ख्याल से बात करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कैसा शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? अगर चाहो तो वालिदा कह सकते हो तुम मुझे। चलो अब जाओ। क्या आप मुझे यहां ये दिखाने के लिए लाए हैं? मुझे यकीन है कि जब आप इस आग को यूं ठंडा देखेंगे और अपने औजारों को यूं जंगालूद देखेंगे तो आपका दिल खुद ब खुद इस जानिब माइल हो जाएगा। हमें आपकी जरूरत है दमीर भाई, न सिर्फ इसलिए कि आप बेहतरीन कारीगर हैं बल्कि एक बहादुर जंगजू भी हैं, बेखौफ लड़ने वाले और लश्कर की शान बढ़ाने वाले, जो मंगोलों को जहन्नुम रसीद कर दें ऐसी शमशीरें तैयार करनी है आपको। मैंने जंगजुओं के लिए हजारों तलवारें बनाए हैं मगर ज्यादा देर तक उनकी खुशी कायम नहीं रहती। उनके हाथों से तलवार और उनकी आंखों से रोशनी जाते देखी है मैंने। आखिरी तलवार हलब जाने से पहले मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। वो बहादुर जंगजू की तरह लड़ी, उनको मारा काटा, कितनों की जान ली, लेकिन वो खुद को न बचा पाए। मैं अभी यह सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि अब मैं कैसे जंगजुओं की तलवार पे उस कुवत और जज्बे से जर्ब लगा पाऊंगा। नहीं कर सकता मैं अर्तुक भाई। कौन है तू बदसात? किस इरादे से आए थे यहाँ? बताओ कौन हो तुम? बता, नोयान शैतान कहाँ है? बोल।
ये ऐसे नहीं उगलेगा, अभी मुंह खुलवाता हूँ इसका। ले चलो इसे। हम जानते हैं कि हमारे हर कदम पर उनकी नजर है। हम इस सूरतेहाल का फायदा उठाना चाहते हैं। हम लोगों ने अपने माहिर जंगजुओं को चारों तरफ तैनात कर दिया है। वो उन पर घात लगाए बैठे हैं। यकीन है कि कोई ना कोई जरूर पकड़ा जाएगा। तो नौयान को दूर दराज जाकर तलाश करने की बजाय उसे कबीले के इर्द गिर्द ढूंढ रहे हो? एक भी गिरफ्त में आ गया तो काफी मालूमात हासिल हो जाएंगी। हमारे आदमी चारों तरफ है, वो कोई ना कोई खबर लेकर ही वापस लौटेंगे। सोच अच्छी है तुम लोगों की। खाना तैयार है। ठीक है बेटा, आते हैं। चलें। सारा दिन काम में लगी रही, इसलिए बस यही बना सकी आज मैं। इंशाल्लाह पसंद आएगा तुम्हें। तुर्कुत क्या हुआ? पानी। क्योंकि अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सलीबियों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया था मुझ पर। उनका दिया हुआ जहर भी खुश जायका था इससे। अच्छा तो ये बात है, तो फिर उनका जहर ही पी लो जाकर। अच्छा रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो, बैठ जाओ मेरे पास। तुर्कुत, मेरे भाई। खुश आमदीद। खड़ी क्यों हो बेटा, आओ बैठो। तुम्हें सबके दरमियान देखकर खुशी हुई? सब कुछ भूल जाओ, अपने बच्चे के लिए खुद को मजबूत करो हलीमा। एक जंगजू की बीवी की यही किस्मत होती है। तुम्हें यहां सबके साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अर्तुरुल जिंदा है। अर्तुरुल बिलाशुबा एक बहादुर जंगजू था। और एक ऐसे बहादुर जवान की मौत को कबूल करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बिलाशुबा तुम्हारा गम सबसे ज्यादा है। भाई, सुंगुर तकिन की तरह हम आज के बाद से अर्तुरुल के नाम की रकाबी भी दस्तरखान पे रखा करेंगे। कल से काई कबीले के खेमे लगने भी शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह तुम देखना, कल से खाली रकाबियों वाले भी हमारे साथ होंगे। चलिए
शुरू कीजिए। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। खैरियत है अब्दुल रहमान? कुंदोगदू भाई के हुक्म के मुताबिक हम बाहर गश्त पे थे हाइमा खानम। हमने वहां एक मंगोल को कबीले की जासूसी करते हुए देखा है। तुमने पकड़ लिया उसे? जी हमने पकड़ लिया उसे। तो फिर तुम्हें क्या बताया उसने? भाई उसने बताया कि नयान कल अपने पड़ाव से बाहर निकलेगा और ये भी कि कहां जाएगा। तू तकिन मुकम्मल करो सारी तैयारियां। जानती हूं आप जिंदा हैं अर्दुरुल। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं आपकी मुश्किलात खत्म होने की दुआ करती रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि अपनी औलाद की मोहब्बत की खातिर वो लौट कर जरूर आएंगे। जरूर आएंगे वो कुंदूस। अल्लाह महफूज रखे आपको। शुक्रिया सलजान खातून। कुंदोगदू, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। परेशान क्यों होती हो? देखना जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की अमान में। मैं सादतिन कोपेक से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अर्तुरुल पे कड़ी नजर रखनी है तुम्हें। बिल्कुल फिक्र ना करें आप।
तैयार हो तुम बोरकलू? तैयार हूं मैं। शिकारी शिकार होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। शिकार करने के लिए शिकार भी बनना पड़ता है कभी। सारी तैयारी मुकम्मल है भाई, जंगजू बाहर मुंतजिर है। ठीक है कोचाबाश। हम तैयार है वालदा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ने चाहा तो ये इंतकाम पूरा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मामू जान। हमारा इंतकाम ओस रिवायात की शान के मुताबिक होगा। जालिम से जुल्म का बदला हर हाल मिलेंगे इंशाल्लाह। जाबाजो, तलवारें कांटदार हो हमारी, ईमान मजबूत हो, हजरत खिजर रहनुमा हो हमारे, और अल्लाह हमारा मददगार हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मेरी वापसी पे या तुम्हारी मौत है या तुम मेरे पालतू बन जाओगे।
कैदी भाग रहा है। हम नोयान की गुजरगाह के करीब हैं। तेज और अपने काम के माहिर, दो जांबाजों को सुराग लगाने भेजने आगे। अब्दुल रहमान, हमजा, बात सुनो। जी भाई। जी भाई। तुम लोग आगे जाकर जायजा लो। कुछ मालूम नहीं कि वो काफिर कहां से नमुदार हो जाए अचानक, और कहीं बेखबरी में हम सब उनका शिकार ना बन जाए। जो हुक्म आपका भाई। जो हुक्म भाई। आगे बढ़ो। मुझे गुंदोगदू और तूतकीन का सर चाहिए। कोई जिंदा बचकर जाने ना पाए, एक भी नहीं। तुम इस तरह काम करके खुद को मत थकाओ हलीमा सुल्तान, उम्मीद से हो तुम।
मुझे काम करके अच्छा लगता है दुल्हन खातून, इससे मेरा इंतजार भी आसान हो जाएगा। तूतकिन और गुंदोग दू उसका इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। बहुत बहादुर हैं वो दोनों भाई। अर्तुरुल, कैसा था आखिर वो? उससे कभी मिली नहीं मैं। अर्तुरुल सबसे खरा, सबसे मुनफरिद था, दोस्तों का दोस्त, कोई नहीं उस जैसा। अर्तुरुल हमारे कबीले की उम्मीद था ऐतुलन खातून, हमारे तारीख वक्तों में रोशनी की वाहिद किरण था अर्तुरुल। काई कबीले को जब भी गद्दारों का सामना करना पड़ा, ढाल बनकर सामने खड़ा रहा अर्तुरुल। सुना है तुम्हारी बहन भी उस मकरो फरेब का हिस्सा थी, बाद में तौबा कर ली उसने। गुपचे खातून, अर्तुरुल तुम्हारे भाई की तरह था, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें, किस तरह अपनी मीठी जबान से जहर लोगों की नसों में उतारती हो तुम। माजी में किए गए गुनाहों ने तुम्हें जिंदगी में बड़ा तजर्बेकार बना दिया सलजान। कान खोल के सुन लो, मेरी बहन गोपचे हलीमा और कबीले की दूसरी औरतों से दूर रहना तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये जहर खुद तुम्हारी अपनी रगों में उतर जाए। मुश्किल में आ जाओगे। पहुंचने वाले हैं हम, यकीन रखो मेरा, थोड़ा सा फासला रह गया। यानी अर्तुरुल अकेला नहीं है, यकीनन कोई हमारी छावनी की जासूसी कर रहा था और वही उसे निकाल कर ले गया है। मुझे इनसे तफ्तीश करनी है भाई। इन कतारों को यहीं सर कलम कर दिया जाए।